हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या में। दोस्तों मैं चंचल कुमार आप सभी के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों कई सारे क्वेश्चन हम सबके माइंड में है, आप सबके माइंड में चल रहा है विशेष तौर पर अपेयरिंग कैंडिडेट्स का जो एसटीटी पास है 2019 में। उसी प्रकार आप देखेंगे जो बीपीएससी तैयारी का डीवीएन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसमें क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है, वो सारी बातें जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है बीएड और डीएड का, उसका बिहार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी पड़ने की संभावना, क्योंकि अभी तक बिहार सरकार ने और बीपीएससी के अध्यक्ष ने इस पर अभी तक कुछ भी क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, नहीं कुछ स्पष्ट बोला है। साथ ही ये जानेंगे कि जो न्यू टीआरई यानी कि नई शिक्षक भर्ती की जो आप पेपर में देख रहे आने वाली है उसमें क्या कुछ संभावना है। चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले आप जानेंगे जो एसटीटी का इश्यू अपेयरिंग कैंडिडेट का, इनका साफ कहना है कि जब एसटीटी का फॉर्म भरा गया तो उसमें केवल अपेयरिंग वाले को साफ मना था फॉर्म भरने का, कि फिर भी कैंडिडेट्स ने अपेयरिंग के बेस पर बीपीएससी का फॉर्म भरा और उनका डीवी बिना किसी खास जांच के उनका वेरीफाई किया जा रहा, जो कि कहीं से भी जायज़ नहीं, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी फर्जी हैं जिन्होंने भी अपेयरिंग होके बीपीएससी तैयारी का फॉर्म भरा है। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थी गए थे आज बीपीएससी कार्यालय, वहाँ पर उन्होंने बातचीत की अतुल प्रसाद सर से सुनसाप का कि वो पहले पास करें बाद में करें, उनको हम ट्रैक कर लेंगे कौन से फर्जी है कौन से फर्जी नहीं है। तो इस इसलिए ध्यान रखिए कोई फर्जी व्यक्ति इस बार बीपीएससी तैयारी में नियुक्त नहीं होने वाला है। तो आप बेफिक्र रहिए, ये सारी बात बीपीएससी के संज्ञान में आ चुकी है कि जो पेयरिंग कैंडिडेट है उनका रिजल्ट किसी भी तरीके से वैलिड नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने फर्जी तरीके से आवेदन किया था बीपीएससी के अंदर। साथ ही आप देखेंगे बीपीएससी तैयारी के डीवी, आप देखेंगे पता होगा कि आपको जो हमारे अपर मुख्य सचिव के पाठक सर हैं या फिर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, दोनों में कुछ आपस में विवाद बढ़ गया है, जिसको आपने ट्वीट देखा होगा। साफ साफ अतुल सर ने कहा है कि आखिर हमारे टीआरई को कौन रोक रहा है और कौन इसको रोकने की क्षमता रखता है, कोई कितना जो लगा ले हमारे टीआरई को नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नहीं रोक सकता। तो साफ जाहिर है शिक्षा विभाग के कर्मी रहे अथवा ना रहे, डीवी जो है वो चल रहा और आगे भी चलता रहेगा, यानी कि डीवी किसी प्रकार से किसी भी चीज़ से बाधित होने वाली नहीं है, जैसे कि आप सभी देख और जान रहे तमाम ग्रुपों के माध्यम से। साथ ही आप हम ये जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है बीएड डीएड का, उसमें क्या कुछ होने वाला है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के जजमेंट में साफ कहा कि जो प्राइमरी लेवल है उसमें केवल डिप्लोमाधारी ही एप्लीकेबल है पढ़ाने के, लेकिन अब उन अभ्यर्थी को लेकर ही परेशानी हो जिन्होंने कि इस बीच 5 साल में बीएड किया, क्योंकि उनकी यहाँ पर कोई गलती नहीं थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि बीपीएससी तैयारी में उनका क्या कुछ होगा। हालांकि इसमें जजमेंट भी आया सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार के लिए, साफ साफ कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानिए, लेकिन सवाल ये है बीपीएससी और नई सरकारी तरफ से कोई भी स्पष्ट गाइडलाइंस इसके ऊपर आई है, तो ऐसे में क्या कुछ हो सकता है। तो जाहिर सी बात है इसमें अभी विलम्ब होगा और देखने की बात ये होगी कि बिहार सरकार या बीपीएससी क्या स्टेप लेती है। हालांकि अभी तो मुझे जहां तक लगता है कि फिलहाल इस पे थोड़ी सी जो क्लैरिफिकेशन आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक कोई भी इस पे बैठक नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो अनौपचारिक बैठक ये मुद्दा सीएम के संज्ञान में आया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो माननीय मुख्यमंत्री उस पर क्या कुछ निर्णय लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर। आगे आप देखेंगे ट्रेनिंग बिफोर आफ्टर सिलेक्शन, यानी कि ये हम ये कहें कि इस पर कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी न्यूज़ आ रही है कि हो सकता है जो बीपीएससी तैयारी में सिलेक्ट उनका 21 दिन का 1 महीने की ट्रेनिंग हो सकता है। अब सवाल ट्रेनिंग का जॉब से पहले होगा कि जॉब के बाद होगा, ये देखने वाली बात होगी। सवाल यहाँ पे एक और ये उठता है कि ट्रेनिंग जो होगी क्या इसमें अभ्यर्थी को सैलरी काउंट होगी या नहीं होगी, ये भी देखने वाली बात है। लिहाजा इसमें हमें और इंतजार करना होगा, लेकिन लगता है कि ट्रेनिंग जरूर करवाया जाएगा। सवाल ये सिलेक्शन से पहले होगा ये बाद होगा, ये कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही आप देखेंगे न्यू टीआरई जो अपने आप देख रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती जो आने वाली 1 लाख से अधिक, ये पेपर में आज भी दिया था, कई दिन से मीडिया में चल रहा है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आ सकती है। तो जाहिर सी बात है जब तक ये भर्ती पूरी नहीं होती बीपीएससी की जो चल रही है 7th पेज, तब तक ये नई भर्ती नहीं आ सकती, क्योंकि इसके बेस पे सीट का आंकलन होगा, कितनी सीट भरी है कितनी खाली है सबका ब्यौरा लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ब्यौरा लिया जा रहा है अपर मुख्य सचिव के पाठक सर के द्वारा कि इसमें और कुछ थोड़ा सा समय लग सकता है, अगर भर्ती समय पे होगी बीपीएससी तैयारी की तो हो सकता है कि जो नई भर्तियां हैं वो आपको इस साल के अंत तक देखने को मिल सकती हैं। ये सारी न्यूज़ सचिवालय से प्राप्त हुई है जो आपको मैं बता रहा हूँ।
साथी बहुत से व्यक्ति ये परेशान है कि क्या कुछ होगा आगे, स्पेशली ये सारे जो मुद्दे मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए हैं। तो ऐसा कुछ भी गलत होने नहीं जा रहा आप साथ, स्पेशली जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो इस बार नियुक्त आपकी इस बाली में नहीं होंगे, क्योंकि इस बार बीपीएससी उसने सारा आपका डाटा ले लिया आपसे फॉर्म भरवाते समय। वो आपको कुछ भी डाटा ट्रैक कर लेगी तुरंत कि अब फर्जी आपका अपॉइंट, आपने कब क्या पास किया, सब डाटा उसके पास है। और अभी थोड़ी बहुत कहीं भूल चूक कोई अपना डीवी करवा भी लेता है सही से, लेकिन बाद में पक्का फंस सकता है जबकि उसकी नियुक्ति के बाद डीवी होगी। तो ऐसे में कोई रिस्क ना ले, कोई फर्जी अभ्यर्थी है तो डीवी में ना जाए, ना ही गलत आंकड़ा सरकार को दे, बीपीएससी को दे, ताकि आपको आगे कोई मुसीबत में ना फंसना पड़े, ताकि आपको कहीं जेल ना हो, क्योंकि FIR ना हो जाए। तो ये सारी बातें थी, बाकी कुछ अपडेट्स आप मुझे जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।